कलेक्टर पर फिरोजाबाद में नामांकन से पहले शिवपाल यादव पहुंचे मन्नत मांगने। आपको बता दें कि रास्ते में पड़ने वाली मक्खनपुर दरगाह पर एवं बालाजी मंदिर पर मत्था टेका। साथ ही शिवपाल यादव लगभग 250 गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ हजारों कार्यकर्ताओं संग पहुंचे नामांकन करने। वही बैरिकेडिंग के बाहर खड़े हजारों कार्यकर्ता लगातार लगाते रहे शिवपाल यादव जिंदाबाद के नारे। फिरोजाबाद से लोकसभा प्रत्याशी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी लोहिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आज नामांकन से पूर्व मीडिया से हुए रूबरू और कहा कि अब कोई भी रिश्ता नहीं देखना है। फिरोजाबाद की जनता के बुलावे पर वो यहां पर चुनाव लड़ने आए हैं। उनकी पहली प्राथमिकता फिरोजाबाद की जनता का विकास कराना है। वही उत्तर प्रदेश में प्रसपा की टक्कर सीधे बीजेपी से है। अब जिनको भी हमसे आशीर्वाद लेना है वह चुनाव बाद आकर उनसे आशीर्वाद ले जाए। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए मयंक शर्मा के साथ देवशीष शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद। जनपद गोंडा के छपिया में प्रभारी निरीक्षक छपिया श्याम बहादुर सिंह के नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक गोंडा पर पुलिस अधीक्षक गोंडा व क्षेत्राधिकारी मनकापुर के कुशल निर्देशन में थाना छपिया क्षेत्र के हिस्ट्री शीटर व सातिर अपराधी नासिर पुत्र अजीज निवासी मलहीपुर थाना छपिया को चांदनी चौक बाजार में गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 1 किलो 400 ग्राम गांजा बरामद किया। साथ ही हिस्ट्री शीटर के विरुद्ध मुकदमा संख्या 90/19 मादक पदार्थ अधिनियम की धारा 8/20 NDP एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त को जेल भेजने की तैयारी की। वहीं दूसरी ओर ग्राम सभा घनश्यामपुर ग्रांट में दो संप्रदाय के बीच मामला होने पर थाना प्रभारी छपिया श्याम बहादुर सिंह ने तत्काल सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने वालों को गिरफ्तार कर त्वरित कार्यवाही करते हुए मोहम्मद शोएब पुत्र अहमद हुसैन ग्राम घनश्यामपुर थाना छपिया जनपद गोंडा, अमीर हमजा पुत्र निजामुद्दीन घनश्यामपुर ग्रांट थाना छपिया नौशाद पुत्र यूनुस निवासी ग्राम घनश्यामपुर ग्रांट को मुकदमा संख्या 91/19 धारा 452 354 क्रम 323 506 पंजीकृत कर जेल भेजने की तैयारी की, जिसमें तत्काल प्रभाव से कार्यवाही को देखते हुए ग्राम सभा में शांति का माहौल कायम हो सका। वहीं आपको बता दें कि गिरफ्तारी करने वाली टीम में प्रभारी निरीक्षक छपिया श्याम बहादुर सिंह, उप निरीक्षक सुशील कुमार सिंह, हेड कांस्टेबल धर्मेंद्र यादव, कांस्टेबल मनोज कुमार, महिला कांस्टेबल वर्षा गुप्त आदि लोग रहे। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए सुनील वर्मा की रिपोर्ट, गोंडा छपिया। जनपद फरुखाबाद के कमालगंज थाना के गैस गोदाम के पास देर रात उड़न दस्ता प्रभारी चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें एक गाड़ी पर संदेह प्रतीत होने पर उन्होंने गाड़ी को रुकवाया और कार चालक से पूछताछ की। वही पूछताछ में कार चालक दबंगई पर उतर आया और अभद्रता करने लगा, जिसके बाद उड़न दस्ता प्रभारी व पुलिस मौके पर से गाड़ी चालक को थाने ले आई, जहां उनसे पूछताछ की गई। वहीं उसने पूछताछ में बताया कि वह लखनऊ से आए हैं, ऑर्केस्ट्रा पार्टी की टीम है और फरुखाबाद स्थित एक होटल में एक नेता की पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। हालांकि पुलिस ने हूटर उतार कर गाड़ी को सीज कर दिया है। मामला कमालगंज थाने का है। उसे हम लोगों ने रोका है यहाँ पर, और रोकने पे उसमें जो है प्रदेश सचिव शिवसेना का आगे पीछे स्टिकर लगा हुआ है, जो कि आदर्श आचार संहिता का भी उल्लंघन है, जिसपे कि हम लोगों ने 171H के तहत जो है उस पर मुकदमा दर्ज किया है। उसके साथ साथ उस पर लाउड स्पीकर भी लगा हुआ था, और गाड़ी को रोके जाने पर उसमें जो है चार लड़कियाँ उसमें थी, जिसके लिए हम लोगों ने पास के ही थाना क्षेत्र से महिला कांस्टेबल को बुला के उनसे पूछताछ की। पूछताछ में उन लोगों ने बताया है कि हम यहाँ पास में ही किसी जो है शादी समारोह में कोई प्रोग्राम करने जा रहे हैं, और उन लड़कियों के साथ उनके परिजन जो थे उनके साथ में थे। पूछताछ के बाद उन्हें उनके परिजन के साथ बाइज्जत रुखसत कर दिया गया है, और लाउड स्पीकर एक्ट 3/177 के तहत गाड़ी का चालान कर इसे सीज किया गया है। थाने में गाड़ी को रखवा दिया गया है, और उसमें जो स्टिकर लगा हुआ था वो भी आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है, उस पर 171H के खिलाफ तहत उस पर जो है मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। गाड़ी को सीज कर दिया गया है। जी जी जी, उनकी गाड़ी को सीज कर दिया गया है, और उनकी जो रिपोर्ट है वो संबंधित थाने में हम लोगों ने करवा दी। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट, फरुखाबाद। जनपद फिरोजाबाद में सीट से प्रसपा पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव ने आज अपने कार्यकर्ताओं के साथ एकजुट होकर अपना पर्चा दाखिल किया। वहीं गौरतलब है कि इसी सीट से उनके भतीजे अक्षय यादव ने भी सपा से कल ही नामांकन किया। वहीं आज चाचा और भतीजे दोनों एक साथ चुनावी मैदान में हैं। आपको बता दें कि फिरोजाबाद जिला मुख्यालय पर शिवपाल यादव ने अपने हजारों समर्थकों के साथ जाकर अपना नामांकन किया। फिरोजाबाद लोकसभा सीट से प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आज नामांकन किया। वहीं नामांकन के बाद जिला मुख्यालय
मुख्यालय पर पत्रकारों से हुए रूबरू और कहा कि अब चुनाव में ही हूँ, नहीं देखूंगा भाई भतीजा, मैं जनता की आवाज पर लड़ रहा हूँ, चुनाव मेरी मुख्य लड़ाई बीजेपी से है, उनके साथ आदित्य यादव, ब्रजेश उपाध्याय, अजीम भाई, उस्मान भाई, मीना राजपूत के साथ बाहर भारी संख्या में हजारों कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं सपा विधायक हरिओम यादव ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव व उनके बेटे जो फिरोजाबाद से वर्तमान सांसद और सपा के प्रत्याशी अक्षय यादव के खिलाफ बोले, जैसा उन्होंने बोया है वैसा ही काटेंगे, हमारी लड़ाई समाजवादी पार्टी से नहीं व्यक्तिगत रामगोपाल यादव से है, व्यक्तिगत रामगोपाल यादव से हम आज शिवपाल सिंह यादव के नामांकन के साथ हैं। इस दौरान हमारे ब्यूरो चीफ देवाशीष शर्मा व मयंक शर्मा ने की खास बातचीत प्रसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा प्रत्याशी शिवपाल यादव से। आपने देखा आज टेट कार्यक्रम के तहत आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं लोकसभा प्रत्याशी शिवपाल सिंह यादव आज नामांकन करने आए हैं, और नामांकन में विशेष बात यह है, जिस तरीके से आपको इस पूरी फुटेज में आप देखेंगे कि काफिला जो था एक लंबा काफिला, और जिस तरीके से कार्यकर्ताओं का हुजूम उबड़ा हुआ है, बैरिकेडिंग पर भी बराबर नारेबाजी करते हुए कार्यकर्ता प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं, और पूरे जोश के साथ शिवपाल सिंह यादव आज जिला मुख्यालय पर नामांकन करने के लिए आए हैं। आज उनसे रूबरू होंगे और बात करेंगे कि आखिरकार इस पूरे चुनावी रणनीति को, फिरोजाबाद की जो चुनावी रणनीति है, आगे क्या रणनीति होगी और किन मुद्दों को लेकर ये चुनाव लड़ा जाना है। टीवी1 इंडिया न्यूज़ के लिए देवशीष शर्मा के साथ मयंक शर्मा की रिपोर्ट, फिरोजाबाद।